और जो लोग किसान को केवल अपनी घोषणा तक सीमित रखते थे, उन लोगों को बताने का एक माध्यम हम सबके सामने होगा। और गोरखपुर में जब किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, हम सब आभारी हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि अवसर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। किसान मोर्चा के हमारे पूरे देश के 3000 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मानता हूँ आपको आने में गोरखपुर यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर यानी उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में है। नेपाल की दूरी यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी मात्र है और तब भी आप देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। आपकी यात्रा की थकान होगी क्योंकि आपके यहाँ तालियाँ कम बज रही हैं और मुझे लगता है कि किसान मोर्चा के लोग तो थकते हुए से नहीं है, किसान थकता नहीं है। अगर किसान ही थक जाएगा तो देश तो भूखों मर जाएगा। किसान तो अन्नदाता है और अन्नदाता किसान कभी थक नहीं सकता है। आपका यह उत्साह देश के अंदर 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने की दिशा, आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य और आपके द्वारा केंद्र और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों को जिस तेजी के साथ आप लेकर के जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा का हो, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना का हो या जो भी हो, ये जो कैंपस आप देख रहे हैं ना, ये फर्टिलाइजर का कारखाना यहां पर 1990 में बंद हो गया था। 1990 से आप देखेंगे कितनी सरकारें आई, 15 वर्ष तक तो कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो इस देश के अंदर अपने आप को कहते हैं, इन सब की सरकारें केंद्र में थीं, लेकिन किसी को सुध नहीं थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन किसानों के बारे में। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस खाद कारखाने का शिलान्यास गोरखपुर में रखा और यह कारखाना अब तक 60% पूरा हो चुका है। 2020 में यहां पर खाद का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा और केवल गोरखपुर में नहीं, बरौनी में भी खाद कारखाना बंद हो चुका था। तालचर में उड़ीसा गया था अभी पिछले सप्ताह, तालचर में उड़ीसा के लोगों में क्या उत्साह है, क्या उत्साह वहां देखने को बन रहा है। तालचर का खाद कारखाना बंद हो गया था, वह खाद कारखाना तालचर का भी फिर से प्रारंभ हुआ हो रहा है। यह कार्य आखिर इससे पहले किसानों के हितों की सरकारें थी तो क्यों किसानों के बारे में नहीं सोचा गया, क्यों किसानों के बारे में नीतियां नहीं बनती थी। हम लोगों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ करके अपनी बातों को जनता के सामने पहुंचाना होगा और मुझे लगता है कि हम सबका यह संकल्प कहीं भी मई तक तो किसी के लिए आराम की जगह होनी ही नहीं चाहिए और किसान तो कभी आराम करता ही नहीं है। और किसान मोर्चा से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से मैं यही विनम्र अनुरोध करूंगा, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, भगवान विश्वनाथ की धरती है और दुनिया के मानवता के सबसे बड़े समागम, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ की धरती है। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। मैं आमंत्रण दूंगा आप जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि हैं, वे प्रयागराज कुंभ में जरूर जाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देश की आस्था का सम्मान किस रूप में उनके द्वारा किया गया, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का क्या संदेश होना चाहिए, प्रयागराज में जाकर के देखिए। स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम प्रयागराज कुंभ आपको देने जा रहा है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, 450 वर्षों से प्रयागराज में किले के अंदर कैद अक्षय वट के दर्शन करके उस सौभाग्य को प्राप्त करिए जो 450 वर्षों से भारत की श्रद्धा और आस्था को कैद करके रख दिया गया था। और फिर देश आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम सबको 2019 के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। एक आमंत्रण प्रयागराज कुंभ के लिए और दूसरा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, और उस निधि की दिशा यहां पर किसान मोर्चा के समापन कार्यक्रम के साथ
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश को और देश को देने जा रहे हैं। मैं आप सभी प्रतिनिधियों को उस कार्यक्रम में भी सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम आपके बहाने गोरखपुर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, तो इस बहाने मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में, कल उस कार्यक्रम में भी सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं, बाबा गोरखनाथ की धरती पर अभिनंदन करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में किसान मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाला है, आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने किसानों के बारे में जो अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं समय समय पर और जिस तत्परता के साथ उन्हें लागू करवाने में, किसानों के हितों को आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान है, हम किसान मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।